नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। इन दिनों इंटरनेट वाला प्यार खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जहां पबजी से सीमा हैदर को मोहब्बत हो जाती है, तो फेसबुक से अंजू को नसरुल्लाह के साथ इश्क हो जाता है और दोनों ही महिलाएं सरहद पार करके एक दूसरे के देश में चली जाती हैं। अब एक ऐसा ही मुद्दा दोबारा से सामने आया है, लेकिन खास बात यह है कि इसमें सरहद पार तो नहीं की गई, लेकिन देश को दहलाने की कोशिश की गई है। बता दें कि ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां एक पति ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि वो आईएसआईएस से जुटी हुई है। जी हां, आईएसआईएस से जुड़े होने का शक जताया गया है और पुलिस को चिट्ठी भी लिखी गई है। इन दोनों की शादी ऑनलाइन इश्क के आधार पर हुई थी। इन दोनों ने ही शादी की और शादी के बाद जो कुछ भी सामने आया, अब इसे देखने के बाद पति काफी डरा हुआ है। ये मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दानपुर का है, जहां सिराज अली अपनी पत्नी का आईएसआईएस से संबंध होने का दावा करता है। सिराज अली ने इस पूरे मामले में पुलिस को चिट्ठी लिखी है और हसीना के बारे में जानकारी दी है। सिराज अली का कहना है कि 2021 में उसने हसीना के साथ दोस्ती की और उसके बाद नज़दीकियां बढ़ी और शादी रचवा ली। अलीगढ़ के ही नगला पटवारी में रहने लगे, जहां सिराज ने हसीना को एक 12 साल की बेटी का पता लगा। सिराज को जैसे ही पता चला कि हसीना की एक 12 साल की बेटी है जो कि देहरादून के स्कूल में भर्ती है, सिराज उसे वहां से लेकर के आ गया। इसी बीच में पता चला कि पत्नी किसी संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी हुई है और उसके बाद आईएसआईएस से जुड़ने का शक यहीं से शुरू हुआ। शक के मुताबिक सिराज ने पत्नी हसीना के खाते में 21 लाख रुपए देखे, जिसमें हसीना ने सफाई दी कि शादी से पहले सेटल होने के लिए ये पैसे मिले थे। वहीं सिराज का दावा है कि पत्नी के पास कई फोन हैं, 2 आधार कार्ड है और उसका एक नाम मनीषा और पूजा भी है। सिराज ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दी है कि पत्नी आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हुई है और इन सभी गतिविधियों को देख करके वो परेशान है, अब जिसकी वजह से उनकी माँ उनके साथ नहीं रहती है। ये भले ही मामला सरहद के अंदर का ही हो, लेकिन अंजू और सीमा के जैसे इसमें भी इंटरनेट के इश्क की कहानी छुपी हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं से ये देखा जाए कि देश के लिए इंटरनेट वाला इश्क काफी बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद ही अब ये सामने आ पाएगा कि आखिर हसीना किस गतिविधि से जुड़ी हुई थी और क्या आईएसआईएस से इसका सच में कोई कनेक्शन है।